सब्सक्राइब करिए आपला महाराष्ट्र चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में वक्फ बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ में संवाद साधा है। अमानतुल्ला खान जब से दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं तब से दिल्ली वक्फ बोर्ड में काफी जोरदार काम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का इस बारे में क्या कहना है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। आज दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप सब लोगों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मुझसे ज्यादा आप लोग वक्फ बोर्ड के इतिहास को जानते हैं। आम आदमी पार्टी आने के पहले वक्फ बोर्ड की क्या हालत थी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद वक्फ बोर्ड कितनी तेजी से काम कर रहा है, आप सब लोगों के सामने है। अमानतुल्ला मेरे छोटे भाई के समान है, मेरे जिगरी दोस्त हैं और इन मोदी और शाह ने जैसे मेरे ऊपर खूब मुकदमे किए, इनके ऊपर भी खूब मुकदमे किए, लेकिन इस देश के न्यायालय में, जुडिशरी में जाके न्याय मिलता है। जैसे मेरे खिलाफ एक एक मुकदमा गिरता जा रहा है, ऐसे अमानतुल्ला के खिलाफ भी एक भी मुकदमा नहीं गिरता अभी तक। तो जैसे हमारी सरकार बनी, अमानतुल्ला साहब को हम लोगों ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया और इन्होंने जो काम करके दिखाया, एकदम से वक्फ बोर्ड की इनकम दुगनी तिगुनी इन्होंने करके दिखा दी महीने दो महीने के अंदर। और जिस तरह से इन्होंने गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देनी चालू कर दी, बेवाओं को इन्होंने पेंशन देनी चालू कर दी, गरीबों के लिए जिस तरह से इन्होंने काम करना चालू किया, उसने मेरा वक्फ बोर्ड पे और अमानतुल्ला पे जो विश्वास था, भरोसा था, वो और दुगना चौगुना कर दिया। तब मैंने इनको कहा, मैंने कहा कि कोई भी जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। वक्फ बोर्ड के पास एक दिन मैंने इनके वक्फ बोर्ड वालों से, इनके सीईओ से सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट मंगवाई जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कितनी बड़ी लिस्ट है वक्फ बोर्ड की, कितनी प्रॉपर्टीज है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किस लिए होती है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इसलिए होती है कि उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके पूरे मुसलमान समाज का, यतीमों का, गरीबों का, उसके उस प्रॉपर्टी से भला किया जा सके। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक वक्फ बोर्ड जिस तरह से चलाया जा रहा था पॉलिटिकल लोगों के द्वारा, उन सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे कर दिए गए और या किराए पे इतने 200 रुपए 300 रुपए महीने के किराए पे ऐसे दे दी गई जैसे कि खैरात बांटी जा रही है। उसको समाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसमें मिले हुए थे वो लोग, रिश्तेदार थे। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कर रहा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। तो एक तो मैंने अमानत साहब को यह कहा हुआ है, जितने गलत लोग गलत तरीके से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे बैठे हैं, सारी प्रॉपर्टीज खाली करो। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, कोर्ट में जाना पड़े, बड़े से बड़ा वकील रखेंगे, वकील की जो भी फीस होगी फीस देंगे, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज खाली कराओ। इन प्रॉपर्टीज को हम आपके लिए इस्तेमाल करेंगे, वक्फ बोर्ड आपके लिए इस्तेमाल करेगा, गरीबों के लिए इस्तेमाल करेगा।
वक्फ बोर्ड की जमीन पे स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। जमीन वक्फ बोर्ड की होगी, स्कूल बनाने का पैसा मैं दूंगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे वहां पे। हम आपके बच्चों को पढ़ा के डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं। अगर हमने आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, आप सब लोग जानते हो कि आज दिल्ली सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बढ़िया काम कर रही है। अगर हमने आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, अगली बार आपको दिल्ली सरकार से कुछ भी मांगने के लिए आना नहीं पड़ेगा। आप मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाओगे, देने के लिए आप अपना हाथ आगे करोगे। तो हम अच्छी शिक्षा देंगे, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी खाली कराओ, उनसे आपके पूरे समाज का इतना भला हो सकता है कि आपको किसी तरह से पैसे की कमी नहीं होगी। महीने दो महीने पहले अमानतुल्ला साहब को काम करने का मौका मिला था, और अभी महीना दो महीना हुआ उनको अभी काम करने का मौका मिला है। उसी के अंदर उन्होंने दिखा दिया कि कितनी बड़े स्तर के ऊपर वक्फ बोर्ड की कमाई बढ़ाई जा सकती है। मुझे बेहद दुख है कि जैसे ही पहले हमने वक्फ बोर्ड का गठन किया, उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग साहब ने वक्फ बोर्ड भंग कर दिया। 2 साल तक वक्फ बोर्ड भंग रहा, इससे किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। उल्टे अंदर अफसरों ने खूब जम के जो पहले चल रहा था वैसे ही चलाते रहे वो लोग। तो 2 साल हमने कोर्ट में केस करा और मोदी और अमित शाह को कोर्ट में हरा के वक्फ बोर्ड वापस लेके आए। आसानी से नहीं मिला वक्फ बोर्ड वापस, नहीं तो इनका बस चलता तो ये और चूसते रहते वक्फ बोर्ड को। इनसे लड़ लड़ के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस करके मैं वक्फ बोर्ड वापस लेके आया हूं। और अब मुझे पूरी उम्मीद है हमारा शेर अमानतुल्ला खान अब वक्फ बोर्ड के जरिए समाज की सेवा करेगा। जो भी, मैं तो ये कहता हूं अभी ये टेम्पोरेरी थोड़े समय की बात है, जब वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार से कुछ थोड़ी बहुत ग्रांट लेनी पड़ती है, आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। जो जो निर्णय अभी अमानतुल्ला खान ने ऐलान किए, उन सारे निर्णयों को अमल करने के लिए दिल्ली सरकार से जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हम जरूर करेंगे। अब 2 बात देश की भी कर लेते हैं। मेरे को बड़ी चिंता है और मैं आज अपनी चिंता आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे हिसाब से आज देश के सामने सबसे बड़ा खतरा मोदी और अमित शाह की जोड़ी है कि नहीं है? इन दोनों ने मिलकर पिछले 5 साल में तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं हमेशा ये उदाहरण कई जगह देता हूं कि 70 साल से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि किस तरह से हिंदू मुसलमान जाट नॉन जाट बनिए ब्राह्मण किस तरह से इस देश को बांटा जाए, लेकिन वो बांट नहीं पाया। 5 साल में मोदी और अमित शाह ने वो काम करके दिखा दिया जो पाकिस्तान 70 साल में नहीं कर पाया। इन्होंने देश के अंदर लोगों के अंदर जहर भर दिया। अगर ये 2019 में दोबारा आ गए तो दोस्तों ये देश नहीं बचेगा, ये संविधान नहीं बचेगा, ये देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे जैसे हिटलर ने किया। मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि कुछ भी करो इस देश को बचाने के लिए। हमारा सबसे बड़ा इस बार 2019 का चुनाव इसी बात पे होना चाहिए कि किस तरह से मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हटाना है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसके चक्कर में मत पड़ जाना, जो मर्जी बने प्रधानमंत्री, मोदी और अमित शाह के अलावा जो भी प्रधानमंत्री बन रहा होगा हम उसको समर्थन कर देंगे। इन दोनों को हटाना है। अब आते हैं गणित के ऊपर। वोट तो गणित का मामला है। दिल्ली के अंदर आप सब लोग अब अच्छे से समझ के जाना और आगे जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा सको समझाना।
ये टीवी वाले आजकल कुछ ज्यादा दिखाते हैं, राहुल गांधी मोदी, राहुल गांधी मोदी, राहुल गांधी, तो लोगों को लग रहा है यार ये तो मैच जो है ये राहुल गांधी और मोदी के बीच में लड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है। दिल्ली में आज अगर कांग्रेस, आज कांग्रेस दिल्ली के अंदर बीजेपी को हरा नहीं सकती, आज केवल और केवल आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में भाजपा को हरा सकती है। जैसे अगर हम वेस्ट बंगाल लें, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती, केवल ममता बनर्जी हरा सकती है बीजेपी को। अगर हम उत्तर प्रदेश में जाएं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती, सपा और बसपा का गठबंधन ही हरा सकता है बीजेपी को। उसी तरह से तेलंगाना में जाएं, वहां पे केसीआर ही हरा सकता है बीजेपी को, कांग्रेस नहीं हरा सकती बीजेपी को। उसी तरह से दिल्ली के अंदर केवल और केवल आपकी दिल्ली की अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी ही भाजपा को हरा सकती है, कांग्रेस नहीं हरा सकती। इस चक्कर में मत पड़ जाना, अगर आपके वोट बट गए तो दोस्तों इस देश का बहुत बुरा नुकसान हो जाएगा। अब आप एक गणित समझ लीजिए, पिछली बार चुनाव में लोकसभा में 46% वोट मिले थे, जो मैं कहने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना, 46% वोट मिले थे बीजेपी को लोकसभा में। विधानसभा में तो हमको 55% वोट मिले थे, जो भारत के इतिहास में आज तक किसी को नहीं मिले, लेकिन लोकसभा की मैं बता रहा हूं, लोकसभा टू लोकसभा, लोकसभा में पिछली बार बीजेपी को मिले 46%, आम आदमी पार्टी को मिले 33%, कांग्रेस को मिले 15%। अब सारे सर्वे ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी के 10% वोट कम होंगे, तो 10% वोट कम होंगे तो बीजेपी के कितने रह जाएंगे, 36%। अब ये 10% वोट अगर कांग्रेस के पास चले गए तो कांग्रेस के कितने हो जाएंगे और कौन जीतेगा, बीजेपी जीत जाएगी। कांग्रेस के हो जाएंगे 25, हमारे रह जाएंगे 33 और बीजेपी के 36, बीजेपी 6-7 की 7 सीट जीत जाएगी। अगर ये 10% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे आम आदमी पार्टी के, 43, और 7 सीटें आम आदमी पार्टी की। ये समझने की कोशिश करो, आजकल सवेरे सवेरे पार्कों में बीजेपी और कांग्रेस वाले घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। क्या कहते हैं, बैठ जाएंगे 20-25 लोगों को लेके बीजेपी वाले और कहते हैं यार ये मोदी ने कबाड़ा कर दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। बीजेपी आपको, बीजेपी और आरएसएस वाले, वो मोदी ने बेड़ा गर्क कर दिया, इससे तो कांग्रेस ही अच्छी थी। बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी आरएसएस वाले कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, क्यों, जितना एंटी मोदी वोट है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर दो और बीजेपी जीत जाएगी। ये समझने की कोशिश कीजिए, ये इस चक्कर में मत पड़िए। आजकल वो टीवी चैनल वाले राहुल गांधी मोदी, राहुल गांधी मोदी दिखा रहे हैं, कई लोग कहते जी ये तो प्रधानमंत्री का वो है, प्रधानमंत्री का वो नहीं है। आज मेरे से लिखवा लो, ना मोदी बन रहा प्रधानमंत्री और ना राहुल गांधी बन रहा प्रधानमंत्री, पता नहीं कौन बनेगा, खुला खेल है अभी तो जो भी बनेगा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के अलावा, उसको हम 7 सीटें दे देंगे, जो 7 मोदी और अमित शाह को नहीं देंगे। तो दोस्तों ये अच्छी तरह गणित समझ के जाना आज यहाँ से, मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ मोदी और अमित शाह को हराने के लिए। आज अगर मेरे को ये लगता ना कि भाई कांग्रेस जीत जाएगी, 7 सीटें हम कांग्रेस को दे देते, भाई तुम लड़ लो हम नहीं लड़ते, लेकिन भाई साहब कांग्रेस जीत नहीं सकती, 1 सीट नहीं जीत सकती दिल्ली से, 1 सीट। मेरे दिल का दर्द है और मेरा आपसे ये गुजारिश है आज कि देश को बचा लो इन दोनों से, और आप सब लोग अपने अपने इलाके के अंदर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हो आप लोग, अगर आपकी आवाज दूर दूर तक जाती है तो मेरा आप सब लोगों से गुजारिश है कि सबके साथ बैठ के इस गणित को जरूर समझाना कि भैया इस टीवी वाले वगैरह के चक्कर में मत पड़ो और सारे जने मिलके इस बार इकट्ठे हो जाओ, वोट को बटने मत देना किसी भी हालत में। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।